ये प्रदर्शन पानी की समस्या को लेकर बांदीकुई खंड क्षेत्र के अंतवाड़ा गांव के ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है, जहां पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों का आज गुस्सा फूट पड़ा और इसी गुस्से के चलते ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर विरोध जताया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 15 दिनों से पानी नसीब नहीं हो रहा लोगों को। देखिए क्या कहा ग्रामीणों ने। हमारी मोटर खराब हुई पड़ी कोई 15 दिन होगा और पानी के बूंद को और दुनिया तरसती दौलत पानी को हमारे हमारी मोटर सुधरनी चाहिए। 15 दिन होगा हमको पानी को हमारे डोलते डोलते हमने कई कई बार शिकायत कर दी हमारा पानी बोन आ रहे हो। ग्रामीणों का कहना है कि जनता जल योजना द्वारा लगाई गई मोटर पिछले 15 दिनों से खराब पड़ी है, जिसकी ग्रामीणों द्वारा शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा। पानी का हमारा तसाय मारा था, पानी होना चाहिए हमारा। पानी होना 15 दिन होगा करीब और हमारे लिए पानी नहीं है, हम पानी के लिए तसाय मारा था। मोटर पड़ी है, मोटर हमारी सुधरनी चाहिए, हमारी मोटर खराब हुई पड़ी है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि शिकायत के बाद भी आज दिन तक सुनवाई नहीं हुई है, समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो मजबूरीवश एसडीएम कार्यालय पर धरना देने की नौबत सामने आएगी। ग्राम अनंतवाड़ा में करीबन 15 से 20 दिन से मोटर खराब है, जलदाय विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बाकी प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ग्रामीण 1 किलोमीटर से आधा किलोमीटर से पानी के लिए परेशान है, लेकिन प्रशासन की अभी तक ये विभाग कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर ऐसी समस्या आगे रही तो हम आंदोलन करेंगे, एसडीएम कोर्ट में धरना देंगे। हमको पानी मिलना ही चाहिए, ये हमारी मेन मांग है और ये होनी ही चाहिए, ये मूल आ सकता है, इसके ऊपर सरकार का ध्यान होना चाहिए और बांदीकुई एसडीएम से आप इस पर त्वरित कार्रवाई करें और विभाग को आदेश करें कि हमारी मोटर जल्द से जल्द सही करें। भाई आपका नाम? संतोष कुमार सेट्टी, अनंतवाड़ा।